हाय एवरीवन, इट्स मी रितिका। वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान करेले की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए करेले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और 2 से 3 कटे हुए प्याज। सबसे पहले हम करेले को पीलर से या फिर चाकू से उसे पील कर लेंगे, उसका पूरा छिलका उतार देंगे। सारे करेले को अच्छे से पील करने के बाद उसे एक बार पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। करेले को कट करने के बाद इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए। दस से 15 मिनट बाद इसे हम अच्छे से पानी से 2 से 3 बार वॉश करेंगे। इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी नहीं रहे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद उसमें हम करेले डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर करेले को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम गैस को कम कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देंगे। करेले को पकने में 10 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं करेला एकदम कुरकुरा और ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे और उसे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, सूखा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे 2 मिनट तक फ्राई होने दें। सारे मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें हम करेले डाल देंगे। इसे मिक्स करें।
अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे हम ढककर 2 मिनट तक के लिए पकने देंगे। करेले की सब्जी तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।